नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं हमारे साइंस की दुनिया में बहुत सारी नई डिस्कवरीज नई थ्योरीज फाइंड आउट हो रही हैं। एक और नई सरप्राइजिंग थ्योरी आई। थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी थ्योरी। इस थ्योरी को फाइंड किसने किया? इस थ्योरी को फाइंड जिसने किया, क्या आप उसके बारे में गैस कर पाए? नहीं कर पाए। इस थ्योरी को फाइंड करने वाला इंसान मैं ही हूँ, आपका खुद का भाई शिवांश लोधी। इस थ्योरी में हमने जीरो से जुड़े कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताएंगे जो कि मैंने खुद ने फाइंड किए हैं और जो कि मैंने खुद ने रिसर्च किए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नए इन्वेंशंस के थ्रू हमारे देश का प्राइड बढ़ सके, देश को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा सके वर्ल्ड में। तो हमारी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए और जानने के लिए, हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया है, इसको जानने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको प्रूव किया है और न्यूमेरिक्स के थ्रू हमने इसको पूरा प्रूव किया है। तो धन्यवाद, आप आगे की वीडियो देखिए। हमारी जीरो टू इन्फिनिटी थ्योरी शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि ज़ीरो का मतलब क्या। ज़ीरो का मतलब है कि जैसे कि ये जो खाली स्पेस है जिसमें कि मेरा हाथ ये मूव कर पा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो खाली स्पेस जिसमें मेरा हाथ मूव कर रहा है, इसको हम ज़ीरो बोल सकते हैं फिलहाल। लेकिन देखा जाए तो उसमें डस्ट पार्टिकल और एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से ये कुछ मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन अगर उनको भी हम हटा दें तो ये स्पेस जो है वो खाली है, जैसा कि हमारा स्पेस में। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझा देते हैं। जैसे कि ये भी खाली है, ये ग्लास खाली है, तो इसको हम ज़ीरो मान रहे हैं। ये जो स्पेस अंदर इसके है, अगर इसमें से हम एयर को भी हटा दें तो जो स्पेस बचेगी उसको हम ज़ीरो मान रहे हैं। और जैसे कि हमारा भरा हुआ है, इसमें पानी है, तो ये ज़ीरो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कुछ मास भरा हुआ है, जबकि ये खाली है क्योंकि इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स को अभी हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इसमें नहीं है, तो ये खाली है। तो आप समझ गए होंगे ज़ीरो स्पेस मतलब कि ज़ीरो मतलब कि खाली और भरा हुआ मतलब कि जिसमें कि कुछ मास हो, ठीक है। तो चलिए हमारी थ्योरी शुरू करते हैं। तो ज़ीरो मतलब सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस यानी कि जिसमें कि कोई भी एटम्स नहीं है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए, आपको कोई भी चीज़ भरनी है, मान लीजिए आपको ये खाली ग्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये खाली है, ये पूरा एम्प्टी है, आपको इसको भरना है। तो इसमें आपने जैसे ये डाला, ये भरा गया, ठीक। आप जैसे इसमें ये डाला भरा गया, तो कोई भी खाली चीज़ कब भराती है? जब वो खाली हो, मतलब कि ज़ीरो हो, उसके अंदर ज़ीरो एम्प्टी स्पेस हो, तभी जाके वो भराती है। मान लीजिए अगर ये भरा होता पहले से, मतलब ये फिल्ड है, ज़ीरो स्पेस अभी फिल्ड है, तो इसके अंदर कुछ और नहीं भरा पाता। लेकिन अगर ये खाली है मतलब ज़ीरो है, तो ही इसके अंदर कुछ भरा सकता है। समझ पा रहे हैं गाइस? जैसे कि ये अभी इसके अंदर इतना वाटर है, तो इसको हम इतनी लिमिट से ज़्यादा और इसमें वाटर नहीं भर सकते अभी फ़िलहाल में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से वाटर है। लेकिन अगर एम्प्टी स्पेस हो, मतलब खाली हो, ज़ीरो, तो इसमें वाटर भरा जा सकता है, ठीक है। तो एक मिनट, एरर आ गया था। तो खाली स्पेस को हम भर सकते हैं, जबकि हम भरी हुई स्पेस को और ज़्यादा नहीं भर सकते। ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम हमारी थ्योरी प्रूव करेंगे। तो हमारी सिंपल सी थ्योरी कहती है, मान लीजिए ये खाली एरिया है, को हम किसी भी मास वाली चीज़ से भर सकते हैं, जैसे कि हमने ये भर दिया, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो कैन ऑलवेज कंटेन मास, ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं, अगर ऐसा है कि ज़ीरो के अंदर ही मास भरा सकता है, मतलब कि ज़ीरो के अंदर ही मास भरा सकता है, तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा स्पेस जो है, स्पेस जो आउटर स्पेस है अर्थ के बाहर का, वो पूरा खाली है, ज़ीरो है। उसी के अंदर हमारे सन, मून, अर्थ और बाकी अदर स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडी वगैरह एग्जिस्ट करती। कहने का मतलब कि ज़ीरो के अंदर पूरा यूनिवर्स का जो मास है वो एग्जिस्ट करता है। सिंपल मीन्स ज़ीरो के अंदर मास एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा आउटर स्पेस जो है, जो कि है इन्फिनिटी, मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमारा जो आउटर स्पेस है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब कि ज़ीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है, मान लीजिए जो अनलिमिटेड मास है वो कहाँ पर रखा सकता है? कोई भी चीज़ कहाँ रखा सकती है? जो जगह खाली वहीं तो रखा सकती है। तो इन्फिनिटी को भी एग्जिस्ट करने के लिए ज़ीरो के अंदर एग्जिस्ट होना हुआ, मतलब कि इन्फिनिटी
सिर्फ जीरो के अंदर ही हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के बराबर हुई इन्फिनिटी, और सिर्फ बराबर ही नहीं उल्टा जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा स्पेस, इसको आप मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, ठीक है गाइस। अब ये जो स्पेस है ये फैलता जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा एक स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड के द्वारा ये ऐसे 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 फैलता जा रहा है चारों तरफ। तो इसको फैलने के लिए जो स्पेस चाहिए, मान लीजिए ये स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस कहाँ से आ रही है, और कोई भी मास मैंने आया जैसा कि अभी आपको बताया कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पर ज़ीरो, मतलब कि ये ज़ीरो के अंदर ही फैल रहा है। फिर से ये फैलने लगा यहाँ आके, तो फिर से ये कहाँ फैल सकता है, जहाँ पर जगह हो, खाली जगह हो, खाली जगह मतलब कि ज़ीरो। इससे हमारी ये थ्योरम निकल के आती है कि ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, विच मीन्स इन्फिनिटी इज कंटेंड अंडर ज़ीरो, मीन्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो नहीं है जिसको हम ज़ीरो समझते थे, वो बल्कि इन्फिनिटी से भी बड़ी है या फिर इन्फिनिटी के बराबर है। तो ये हमारी थ्योरम कहती है। थैंक यू गाइस, ये हमारी थ्योरम थी, इसका हम पार्ट टू लाएंगे जल्दी, जिसमें हम आपको इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे, और इसके हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको रियल लाइफ में साइंस से रिलेटेड जो वो होंगे फैक्ट्स, हम आपको वो भी बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और हमारे देश का इससे बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिक फील्ड में तरक्की हो सकती है। तो अगर आपको ये थ्योरम सही और अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।